दोस्तों, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की नई शुरुआत करने को देखेंगे और दोनों ही टीम के बीच अब 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे 18 नवंबर से। पहला मैच खेला जाएगा वेलिंगटन में, जिसकी शुरुआत होगी 12 बजे से, यानी भारतीय टाइम अनुसार 12 बजे से आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। और जब से हम वर्ल्ड कप के इतने नज़दीक पहुंचकर उसको हारे हैं, तब से BCCI ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की घोषणा कर दी है इंडियन क्रिकेट टीम पर, यानी सीनियर खिलाड़ियों को अब रेस्ट दिया जाएगा और नए खिलाड़ियों को टीम में इंक्लूड किया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो गई है इस सीरीज के साथ, जहां पर कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। KL राहुल, रोहित शर्मा और इनफैक्ट विराट कोहली को भी रेस्ट दे दिया गया है इस सीरीज से, वो वापसी करेंगे बांग्लादेश टूर में। और ना ही सिर्फ सीनियर प्लेयर्स बल्कि T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी सीरीज से ब्रेक दे दिया गया है। अब उनकी जगह VVS लक्ष्मण बतौर हेड कोच मैदान में उतरेंगे और कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे और 3 ODI मैच खेले जाएंगे। 3 T20 मैच 18, 20 और 22 नवंबर को खेला जाएगा, वहीं तीनों ODI 25, 27 और 30 नवंबर को खेला जाएगा, जिसकी कप्तानी करेंगे शिखर धवन। दोस्तों, आधी इंडियन क्रिकेट टीम तो सीधा ऑस्ट्रेलिया से ही वर्ल्ड कप के बाद रवाना हो चुकी है न्यूजीलैंड के लिए। ये 3 T20 काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग प्लेइंग 11 आपको बदली हुई नजर आने वाली है। जहाँ एक तरफ भारतीय क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों से ड्रॉप कर दिया गया था, वहीं अब उनको दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया है। और इसके पीछे सेलेक्टर्स ने तर्क दिया है कि साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। वहीं सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है ताकि वो आने वाले ODI वर्ल्ड कप पर फोकस कर सकें। तो वहीं इस 3 मैच की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने बेस्ट बॉलर यानी ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन ट्रेंट के ड्रॉप किए जाने के बावजूद इनका टीम काफी मजबूत नजर आता है, क्योंकि इनके पास अभी भी लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साउदी हैं। आइए नजर डालते हैं इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल और ईशान किशन। दोस्तों, ये जो ओपनर्स का स्लॉट है ना, ये टीम इंडिया का काफी कमजोर है और ये हमने T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छे से देखा। तीसरे नंबर के लिए आपके पास 3 चॉइस है, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा या फिर संजू सैमसन। दोस्तों, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्कि लंबे वक्त से खेले भी नहीं हैं और काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आए हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव, जो वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छे नजर आए। वहीं पांचवें नंबर पर होंगे विकेट कीपर, वाइस कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऋषभ पंत, जिन्हें इस साल वर्ल्ड कप में कुछ खास मौके नहीं मिले। छठे नंबर पर खुद नजर आएंगे ऑलराउंडर कैप्टन हार्दिक पांड्या। सातवें और आठवें नंबर पर हो सकता है लंबे समय बाद आपको देखने को मिले कुलचा की जोड़ी। चहल को वर्ल्ड कप में ना खिलाना टीम इंडिया को महंगा जरूर पड़ा है और हार्दिक पांड्या इस बात को जानते हैं। तो सातवें और आठवें नंबर पर आपको स्पिन ऑप्शन के रूप में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नवे और दसवें नंबर की, क्योंकि T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में भुवनेश्वर कुमार का नाम है, तो वो तो फॉर श्योर इस स्क्वाड में रहने वाले हैं। तो वहीं उनके साथ उनके नए पार्टनर यानी अर्शदीप सिंह नजर आएंगे, जो वर्ल्ड कप में काफी किफायती साबित हुए टीम इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जद्दोजहद होगी 11वें ऑप्शन के लिए, जिसको लेकर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और हर्षल पटेल। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर 3 T20 मैच है और 3 ही ऑप्शन है 11वें नंबर के लिए। ऐसे में अगर एक चॉइस अच्छा काम नहीं करती है तो अगले मैच में उसे रिप्लेस करके दूसरे ऑप्शन को बुलाया जा सकता है उनकी जगह पर। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में मुझे लगता है उमरान मलिक को जगह मिलने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने उनको पहले भी मौके दिए हैं। गेंदबाजों की बात की जाए तो स्क्वाड में इन बॉलर्स के अलावा वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी शामिल है। दोस्तों, आपके हिसाब से 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक या हर्षल पटेल किसको जगह देनी चाहिए, और आपके हिसाब से कौन सी टीम इस सीरीज को जीतने वाली है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।